जितने भी स्टूडेंट हैं, हम सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बेहद इंपॉर्टेंट जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है जानकारी अपडेट्स निकलकर हम सभी स्टूडेंट के लिए आया है। हम सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती अपडेट 1 जनवरी से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है नया नियम आप लोगों के लिए लागू होने वाला है। तो इस वक्त की सबसे बेहद इंपॉर्टेंट जो है ब्रेकिंग न्यूज़ भर्ती अपडेट्स है बिना टीईटी, जी हाँ, बिना टेट एग्ज़ाम दिए भी आप जो है छत्तीसगढ़ में बन सकते हैं शिक्षक। बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो बीएड करने वाले स्टूडेंट अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। हर महीने आपको 21,000 रुपये जो है पर मंथ सैलरी जो है दिया जाएगा, और 21,000 रुपये यदि आपको पर मंथ सैलरी दिया जाएगा जिससे आपका फ्यूचर जो है ब्राइट हो जाएगा और आप अपने सभी सपनों को जो है पूरा कर पाएंगे। आप ऐसे हर एक स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, आप लोग तो यही चाहते हैं कि आपको एक बेहतर नौकरी मिले, एक अच्छा जॉब मिले, सरकारी नौकरी मिले, बहुत ही अच्छे सैलरी मिले जिससे आपकी ज़िंदगी जो है बन सके। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों को लिए। 1 जनवरी 2023 से आप लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन आने वाला है। 21,000 रुपये आपको हर महीने दिया जाएगा। और इसके साथ क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है रोजगार पंजन। जी हाँ, मैं आपको कई वीडियोस में भी बोल चुका हूँ कि जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी एग्जाम्स के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं, आपको उसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया के लिए आपको जो है रोजगार पंजन होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कंपलसरी होता है। तो यदि आपका रोजगार पंजन नहीं है तो रोजगार पंजन अवश्य रूप से करा लीजिए, और इसका बेहतर बेनिफिट्स फ़ायदा आप लोगों को जो है देखने को मिल सकता है। तो बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती अपडेट जो है निकल कर आया है, जिसमें आप लोग बहुत आसानी से जो आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, और आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो सकता है। और कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है मुश्किल नहीं है, सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है आसान है। सिर्फ आपको इसके लिए जो है मेहनत करना, अच्छे से तैयारी करना, तभी आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा और आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। और एक के बाद एक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसीज आने वाला है। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो ये शिक्षक का ही पोस्ट है जो अभी छत्तीसगढ़ में जल्द ही नोटिफिकेशन भी इसके लिए जारी होगा। छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,489 पोस्ट के लिए, तो इसके लिए सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है मैं आपको बताता हूँ ताकि आप कंप्लीट जानकारी समझ में आ सके आपको। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आपके एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्ज़ाम्स में जो है 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे, सामान्य हिंदी से 25 अंकों के, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर से जो है 10 अंकों के, और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के। तो इस तरह से टोटल 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपकी विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ हिंदी की बात करें तो इसमें हिंदी के व्याकरण जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी व्याकरण आपका जो है स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित, गद्यांश, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी प्रिपरेशन यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है दिल्ली आईएएस एकेडमी का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप दिल्ली आईएएस एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी के प्रिपरेशन करेंगे, तो आपके हिंदी में बहुत अच्छे से नंबर आ पाएगा और आप डेफिनेटली एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। और कोई भी चीज़ें जो है मुश्किल नहीं है, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है आसान है, बस मेहनत करने की देरी होता है। इसके साथ हम बात करें इंग्लिश, तो इंग्लिश भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश से आपके एग्ज़ाम में 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर, वोकेबुलरी, टेंस, वाइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सबस्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश के ग्रामर में पूछे जाते हैं। तो यदि आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जब इसेंशियल इंग्लिश एसमेंसी दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। तो यदि आप इसेंशियल इंग्लिश एसमेंसी दिशा पब्लिकेशन की बुक से इंग्लिश की तैयारी करेंगे, इंग्लिश के प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको इंग्लिश के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा और आप एग्ज़ाम में जो है बहुत अच्छे से नंबर ला पाएंगे, क्योंकि इसेंशियल इंग्लिश एसमेंसी दिशा पब्लिकेशन की बुक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके यूपीएससी, यूपीएससी, बैंक, एसएससी, रेलवे सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में आप जो है क्वालिफाई कर पाएंगे और एग्ज़ाम्स में आपको जो है बहुत अच्छे से नंबर आ सकते हैं। तो एक के बाद एक छत्तीसगढ़ में बहुत ही महत्वपूर्ण नई नई वैकेंसीज, नई नई भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए जारी हो रहे हैं, प्रकाशित किए जा रहे हैं, और इसका सीधा सीधा लाभ, सीधा सीधा बेनिफिट्स आप सभी स्टूडेंट को जो है मिलने वाला है। तो बस इसके लिए आप जो है एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, एग्ज़ाम्स की जो अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, फिर आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वैकेंसीज होने वाला है, बस आपको मेहनत अच्छे से करना है, तैयारी अच्छे से करना है।
इसके साथ हम बात करें मैथ्स गणित, तो मैथ्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैथ्स में आपका घातांक, बीजी व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज अनुपात एवं सम अनुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी रेखा तथा कोण समतली आकृति सांख्यिकी, इन सभी से प्रश्न आपके मैथ्स में पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है डॉक्टर आर एस अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप डॉक्टर आर एस अग्रवाल के बुक से मैथ्स की तैयारी करेंगे, मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको मैथ्स के बारे में कम्प्लीट ए टू जेड नॉलेज मिल जाएगा। इसके साथ हम बात करें रीजनिंग के, तो रीजनिंग भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो रीजनिंग के नाम पर हिंद का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल ये सभी जानकारी रहेगा, तो इन सभी से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ हम बात करें साइंस के, तो साइंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। साइंस में आपका बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुण, धर्म विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र, जिसमें आपका जैविक, अजैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, खसरा, डिथ्रिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, ये सभी साइंस में आएंगे। तो साइंस की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं साइंस के प्रिपरेशन, तो इसके लिए आप जो है दृष्टि आई एस का क्विक बुक ले सकते हैं। तो यदि हम दृष्टि आई एस के क्विक बुक से साइंस की प्रिपरेशन करेंगे, साइंस की तैयारी करेंगे, तो आपका साइंस में बहुत अच्छे से नंबर आ पाएगा और डेफिनेटली आप एग्ज़ाम्स को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो हर एक चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ जो है बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, और हर एक चीज़ जो आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे स्कोर करने के लिए लाभदायक है। तो बस इतना हो सके मेहनत कीजिए और इसका एक बेहतर रिज़ल्ट, इसका एक बेहतर बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिलेगा और आपकी ज़िंदगी जो है अवश्य रूप से बदलेगा। और एक के बाद एक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसीज, नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड अप टू डेट वीडियोज़ आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसीज, नई नई विज्ञापन आप लोगों के लिए जारी हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। तो बस आप लोगों को मेहनत अच्छे से करना है, तैयारी अच्छे से करना है, ताकि आपका सिलेक्शन जो है हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोज़ को आप जो शेयर कर सकते हैं, और अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ध्यान करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट्स हो, आप मुझसे कोई भी सवाल यदि आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, और आप सभी के कमेंट का रिप्लाई जो है अवश्य करूँगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड अप टू डेट वीडियोज़ जो है मिलते रहेंगे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो अपना प्यार और सपोर्ट जो है बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट का, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।